हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार फिर से जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। BSTC 2022 के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने GK का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। तो एक बार सभी को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद अपन अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास स्पेशल रहने वाली है। राजस्थान GK का अपन मॉडल पेपर करेंगे और GK के बहुत ही अच्छे वाले प्रश्न रहेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी कैसी है उसका आंकलन हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। साथियों, कौन सा सावा है जिसको शादियों के लिए उत्तम माना गया। सावा का मतलब आप ऐसे मानो मुहूर्त निकाला जाता है, ठीक है। देखो, किसी की शादी वादी करनी हो तो पंडित जी को बुलाते हैं और उनसे फिर वो पूछना पड़ता है। वो मतलब अपन कहते हैं ना मुहूर्त वुहूर्त देखते हैं पंडित जी, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कौन सा दिन है जिस पे किसी को कोई मुहूर्त वुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को बिना पूछे, पंडित को बिना पूछे आप शादी कर सकते हैं, कि वो सावा अपने आप में क्या है, बहुत ही उत्तम माना गया है। आखा तीज को, कार्तिक पूर्णिमा को, अनंत चतुर्दशी को। देखिए, अनंत चतुर्थी भाई साहब आज है, ये तो आज है। अनंत चतुर्दशी देखो आज ही है, ठीक है। और शरद पूर्णिमा को। तो यहाँ पे साथियों ध्यान रखना, सावा है जो शादियों के लिए सबसे उत्तम माना गया। फटाफट से कमेंट करके बताओ आपका उत्तर क्या आ रहा है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट करेंगे आपका राइट उत्तर क्या हो रहा है दोस्तों। हाँ, सबके मैं नाम देख पा रहा हूँ, कमेंट्स देख पा रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम रहेगा, प्रश्न ज़्यादा है। तो साथियों, आखा तीज अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। आखा तीज मारवाड़ी भाषा का शब्द है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। इसको अपन अक्षय तृतीया भी कहते हैं, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन साथियों क्या है, ये भाई साहब अपने आप में सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान में बाल विवाह सबसे ज़्यादा किस दिन होते हैं, अगर प्रश्न ऐसा है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं, तो साथियों आखा तीज के दिन ही सबसे ज़्यादा क्या है, बाल विवाह होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना, बालम छोटो सो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। साथियों, विवाह के टाइम में जो वधु होती है उसके लिए वर पक्ष क्या लाते हैं, वधु के लिए पक्ष द्वारा आभूषण लाए जाते हैं, वधु के लिए पक्ष द्वारा आभूषण लाए जाते हैं। हाँ, तो बताओ भाई साहब, प्रश्न को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि विवाह के समय क्या है, विवाह के समय क्या किया जाता है। विवाह के समय वधु के लिए पक्ष द्वारा जो आभूषण लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मतलब वधु के लिए वर पक्ष आभूषण लाता होगा, और तो कौन लाता है, ठीक है। तो उस आभूषण को क्या कहते हैं, यहाँ पे वर पक्ष होगा, ठीक है। वधु के लिए वर पक्ष लाएगा आभूषण, और तो कौन लाएगा। तो वधु के लिए वर पक्ष जो आभूषण लाता है उस आभूषण को क्या कहा जाता है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। विवाह के समय क्या, वधु के लिए वर पक्ष द्वारा लाए गए आभूषणों को दोस्तों क्या कहा जाता है। हाँ, बेस, तो बेस तो है नहीं, मुकलावा, मुकलावा गोना, ये तो भाई साहब इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कि मुकलावा लाया है, गोना लाया है, और पड़ला और मायरा। मायरा भाई साहब जब कोई अपनी मतलब बहन बेटी होती है तो उसकी क्या है, उसके घर पे शादी होती है, उसी के परिवार में से पुत्र पुत्री की, तो वहाँ पे जो भाई पक्ष या पिता पक्ष द्वारा जो लेके जाते हैं गिफ्ट वगैरह उनको मायरा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, पड़ला होगा, है चार चार चुड़ला पड़िया बनेरी अट्टे चीमे पड़ला है, वो वाले पड़ला है भाई साहब। सी उत्तर आपका राइट होगा। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा क्या है, जो आभूषण लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पड़ला कहा जाता है। जिसने भी सी बताया उनका आंसर राइट है। अगला प्रश्न, विवाह के पश्चात विदा होते समय वर व उसके पिता सहित, देखिएगा विवाह के पश्चात जब विवाह हो जाता है तो विवाह के पश्चात विदा होते समय वर व उसके पिता सहित समस्त बारातियों को वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति नकद राशि दी जाती है उसे क्या करें। जब विवाह हो जाता है पंडित जी के द्वारा फेरे वगैरह करवा लिए जाते हैं, उसके बाद क्या है, जितने भी बाराती वगैरह होते हैं या और भी जो क्या है वधु पक्ष की ओर से जितने भी लोग होते हैं उनको क्या है, उनको भाई साहब क्या है, उनको कुछ क्या है पैसे वगैरह दिए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, बताओ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। प्रश्न नंबर 19 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन देगा, बारातियों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, बारातियों को दिया जाएगा। कौन देगा, वधु पक्ष देगा, लड़के के घरवाले देंगे। कौन देंगे, लड़के के घरवाले देंगे। हाँ, अब बताओ क्या कहेंगे, पिता सहित समस्त बारातियों को क्या है, वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति नकद राशि दी जाती है। ओडामणी कहते नहीं कहते मारवाड़ी भाई साहब, ये तो क्या है, ओडामणी है, क्या तो ओडामणी, ओडामणी जिनको दूसरों नाम के है भाई पैरावणी, ठीक है। तो ओडामणी या पैरावणी है, यहाँ पे आपका क्या होगा, डी उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। इसको अपन साथियों क्या कहेंगे, ओडामणी या पैरावणी कहेंगे, डी बताने वाले राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्रोत्र जाने वाला रिवाज है। साथियों, राजस्थान में सभी जगह किया जाने वाला रिवाज कौन सा है, सर्वत्र माना जाने वाला रिवाज है, ठीक है भाई साहब। एक तो
मैं खुद टाइपिंग सीखनी, मुझे कोई सिखा दे तो बताना, हिंदी टाइपिंग करना सिखा दो आप मुझे तो मुझे सीखना है, ठीक है। राजस्थान में सर्वत्र किया जाने वाला या सर्वत्र माना जाने वाला रिवाज कौन सा, जो किसी मतलब हर जगह होता ही होता है, ठीक है, तो वो आपको बताना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राजस्थान में सर्वत्र माना जाने वाला रिवाज कौन सा है बताएंगे, तो पर्दा प्रथा हर जगह नहीं होती, बाल विवाह देखिएगा ये तो रिवाज थोड़ा ही, बाल विवाह तो एक प्रकार की प्रथा है, ठीक है। कनागत यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ए बताया उनका उत्तर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, बड़ार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है, बड़ार क्या होता है भाई साहब, बड़ार एक प्रकार का भोजन होता है, वो किस अवसर पर रखा जाता है वो आपसे पूछा गया, फटाफट से बताएंगे, एक बार सभी को क्लास शेयर कर देंगे। बड़ार का भोज है वो किस अवसर पर रखा जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बड़ार का भोज रखते हैं, किसी के जन्म के समय बड़ार रखा जाता है, विवाह के समय रखा जाता है, या मृत्यु के समय रखा जाता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे साथियों, क्या राइट उत्तर हो जाएगा साथियों, बड़ार का जो भोज होता है वो विवाह के समय रखा जाता है, सी उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, तोरण मारना प्रतीक है कि इसने तो क्या है तोरण मारा है, तो तोरण मारने का प्रतीक क्या होगा भाई, तोरण कब मारा जाता बताओ, तोरण मारना किसका प्रतीक है फटाफट से बताएंगे, तोरण है दोस्तों, तोरण कब मारा जाता है, ठीक है, तोरण मारना है वो किसका प्रतीक है ये आपको बताना है, तोरण कब मारा जाता है, विजय का प्रतीक है। देखो मुहावरा तो वैसे ही अपन ने बना लिया कि तेने कौन सा तोरण मारा, मतलब तेने कौन सी विजय कर ली है, या फिर ऐसा कुछ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपका राइट उत्तर होगा वो क्या होगा, विजय का प्रतीक होगा, मुहावरा बनाया है, बाकी वधु की पसंदगी का, विवाह का, यहाँ पर किला फतेह करने का, तो देखिएगा किला फतेह करना ये भी विजय का प्रतीक है, तेने किला फतेह थोड़ा ही किया, कौन सा अपन कहते हैं विवाह का। वैसे देखो तोरण मारा कब जाता, इस प्रश्न को थोड़ा से समझ, तोरण कब मारा जाता है इसने ये नहीं पूछा, प्रतीक किसका है, विवाह का, तो विवाह के समय तोरण मारा जाता है, सही बात है, ठीक है, लेकिन प्रतीक क्या है, अपन मुहावरे वगैरह बोलते हैं ना कि तेने कौन सा तोरण मार लिया, मतलब तू कौन सा जीत गया, विजय प्राप्त करना, एक प्रकार से ससुराल के अंदर जाने के बाद वो तोरण मारते, मतलब अब अपनी जीत है, ठीक है, वो सबसे मतलब, हालांकि अभी तो नहीं रहा, प्राचीन समय में तोरण है, बहुत ऊंचे ऊंचे बांध दिए जाते थे, उन पे चुनौतियां रखी जाती थी, कुछ ऐसे दोहे वगैरह वो तोड़ने पड़ते थे, उसके बाद ही आप तोरण मार सकते थे, तो वो अपने आप में एक बहुत कठिन यात्रा हुआ करती थी, तो उसको विजय का प्रतीक माना गया है, तो ये उत्तर आपका राइट होगा, तोरण मारना क्या है, विजय का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर किए जाते हैं, लो भाई प्रश्न आ गया कि राजस्थान में आज भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है, बाल विवाह किए जाते हैं, वो बाल विवाह किस अवसर पर किए जाते हैं, दशहरे के दिन, अक्षय तृतीया, कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, तो ये अभी आपको बताया कि अक्षय तृतीया जिसको अपन आखा तीज के नाम से जानते हैं, इसी दिन क्या है राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, ग्रासिया जनजाति में मुख्य रूप से कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है, साथियों राजस्थान की एक जनजाति है जिसका नाम है ग्रासिया, तो ग्रासिया जनजाति के अंदर मुख्य रूप से कितने प्रकार के विवाह होते हैं बताओ, ग्रासिया जनजाति के अंदर मुख्य रूप से कितने प्रकार के विवाह होते हैं, 4, 3, 2, 1, राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ग्रासिया जनजाति के अंदर 3 प्रकार के विवाह किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, जब बारात वधु के घर पहुंचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की अगवानी करते हैं, इसे क्या कहते हैं, साथियों बारात है जो वधु के घर पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो वधु पक्ष वाले होते हैं वो उनको कहते हैं भाई साहब क्या सेवा वगैरह करते हैं, अगवानी करते हैं उनकी, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, आगुणी, सामेड़ा, समदोड़ा या उप सभी, राइट उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ, अपने रिवाज से समझदार प्रश्न, ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर ये क्या घर की बातें लेके आ गए, ऐसे प्रश्न नहीं आते, ये कृषि अधिकारी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, जब वधु के घर पे बारात पहुंची तो वधु पक्ष वाले क्या है वो मतलब उनका सामेड़ा करते नहीं करते हैं कि भाई उनका स्वागत करते हैं, तो उसको अपन क्या सामेड़ा कहेंगे, बी उत्तर आपका राइट होगा। अगला सवाल आपके लिए साथियों, शादी से पहले वर की माता वर को दूध पिलाती है, इससे क्या तात्पर्य, जब साथियों शादी होने वाली होती है उससे पहले, ये देखो आप कहोगे सर हमारे तो नहीं पिलाती है वर की माता दूध, हैं वधु क्या है वर की माता क्या है वर को दूध पिलाती है, ऐसा नहीं है हमारे तो नहीं है, यहाँ देखो अलग अलग रिवाज है अपनी संस्कृति में, ऑल ओवर आपसे माना गया कि शादी से पहले वर की माता है वो वर को क्या है दूध पिलाती है, इसको क्या तात्पर्य, इससे क्या होता है, माता अपने पुत्र को याद दिलाती है कि तुम अपना कर्तव्य दृढ़ नीचे से पूरा करना, मेरे दूध की लाज रखना, माता अपने पुत्र को आखिरी बार दूध पिलाती है, माता अपने पुत्र को दूध पिलाकर यह साबित करती है कि ये मेरा पुत्र है या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई इस चीज़ का क्या मतलब है, ऐसा क्यों किया जाता है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो साथियों ये एक प्रकार से कहा जाता है कि क्या है दृढ़ निश्चय से कोई भी अपना काम पूरा करना है और क्या है दूध की लाज रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर पे लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, देखिएगा विवाह 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो जब छोटी एज में विवाह किया जाता है
तो वधू को लड़के के घर पे नहीं भेजा जाता, वो वहाँ अपने मतलब पियर के पक्ष में ही रहती है, ठीक है। मतलब शादी तो हो जाती है, बट वो मतलब कहते हैं ना कि स्थायी रूप से उनको घर नहीं भेजा जाता, लेकिन बाद में वापस कहते हैं ना कि मुखला वाला आया या गोना किया, उससे वापस क्या है वधू को क्या है वर के घर भेजा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं भाई, गोना कहते हैं। यहाँ पर आपका बी उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने बी बताया है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या उत्तर राइट हो जाएगा, बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेबारी जाति के लोगों में दुल्हा किस पशु पर सवार होता है? साथियों रेबारी जाति राजस्थान की कौन सी जाति, रेबारी जाति जिसके अंदर दुल्हा है वो कौन से पशु पर सवार होकर क्या करता है, तोरण मारता है? घोड़ी पर, बग्गी पर, ऊंट पर या खच्चर पर? बताएंगे राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आप सभी को बता साथियों, रेबारी जाति जो ऊंट पालक जाति है, कैसी जाति है? ऊंट पालक जाति है। बाबूजी राठौड़ को आप जानते हैं जिन्होंने ऊंट ला के दिए, तो सी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट पे तोरण मारती है। अगला प्रश्न आपका, मुरकिया आभूषण पहना जाता है, बताओ भाई मुरकिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, मुरकिया कहाँ पहनी जाती है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। मुरकिया आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, बाजू पर, बाजू मतलब ये हाथ के ऊपर वाला यहाँ वाला, ठीक है, हाँ जहाँ पे आप ये बॉडी बताते हैं अपनी, पैरों में, कलाई पर या कान में? तो मुरकियाँ कहाँ पहनते हैं, वैसे आप सभी को बता मुरकियाँ है वो कान में पहनी जाती है, ठीक है, वैसे रहती गोल गोल, ठीक है, ये कान में पहनी जाती है, डी उत्तर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मृतक को शमशान ले जाने के लिए बांस अथवा लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, उसे क्या, जब किसी की मृत्यु हो जाती साथियों तो उसको शमशान घाट तक ले जाने के लिए बांस की या किसी और लकड़ी की क्या है, अर्थी तैयार की जाती है। उस अर्थी को एक वर्ड में कहा जाए तो क्या कहा जाता है, बेखुंटी कहेंगे, अर्थी कहेंगे, अंत्येष्टि कहेंगे या स्वर्ग यात्रा कहेंगे, बताओ। प्रश्न नंबर आपका है 14, इसके अंदर क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों उसको बेखुंटी कहा जाएगा, यहाँ पे आपका ए उत्तर क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मृतक को क्या है, अर्थी तैयार की जाती है, उस अर्थी को साथियों क्या कहा जाएगा, उस अर्थी को बेखुंटी कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए राइट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वयोवृद्ध की मृत्यु के समय शमशान ले जाने पर रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? साथियों जब किसी की बूढ़ा होता है व्यक्ति या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उस समय उस क्या है, अर्थी के ऊपर रास्ते में पैसे फेंके जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, सामेला, बिखेर, न्योछावर या उसाल? तो साथियों ध्यान रखना है, वयोवृद्ध की क्या है, अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं रास्ते के अंदर, उनको क्या कहा जाता है साथियों, उनको बिखेर कहा जाता है। ये प्रश्न पटवार में पूछा गया है, बिखेर कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, बिखेर कहा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मोसर क्या है, बताओ भाई मोसर क्या होता है, मोसर क्या है? राजस्थान की एक झील का नाम है मोसर, इसका संबंध सती प्रथा से है। राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है जिसे मोसर कहते हैं। अरावली पर्वत की एक जनजाति है जिसका नाम है मोसर। साथियों मोसर का पूछा गया तो मोसर का आपको ध्यान रखना है, मोसर क्या है, राजस्थान में मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है उसको मोसर कहा जाता है, ठीक है, सी बताने वाले राइट है। अगला प्रश्न, मरते समय मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन किस जनजाति में? साथियों ऐसी कौन सी जनजाति है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह के अंदर शराब की कुछ बूंदे डाली जाती है? भाई साहब ये कौन सी जनजाति के अंदर होता है बताओ, शराब क्योंकि ये कैसी बात है, मरते समय क्या है शराब की बूंदे डाली जा रही है व्यक्ति के मुंह के अंदर, तो क्या प्रतीक है ये? तो साथियों अलग अलग रिवाज होते हैं और ये डामोर जाति का क्या है, प्रतीक है, ठीक है ना। हाँ जो दक्षिणी क्षेत्र है भाई साहब इनके अंदर जो शराब है ये प्रतिष्ठा का सूचक मानी गई है, ठीक है, शराब नहीं पीते तो फिर कुछ नहीं पीते, ठीक है। वहाँ मतलब लोग कहते हैं कि जैसे अपन कहीं पे अपने कोई रिश्तेदार वगैरह घर पे मिलने आए मजा आ गया एक, ठीक है, सिर्फ दो मिनट आपका मूड ब्रेस हो जाए, काफ़ी दिनों से आए तो हमेशा आए, लेकिन देखेगा वो आगे याद आ गई बात कि किसी ने कहा था मेरे से, कोई दोस्त वगैरह था, कि आप जब किसी के यहाँ पे मिलने जाते हो तो आपके वहाँ मतलब छोटे बच्चे वगैरह होंगे सामने वाले पक्ष में, वो कहेंगे चॉकलेट लाए क्या, बिस्कुट लाए क्या ऐसे, लेकिन हम जब मिलने जाते हैं तो कहते हैं और मामा जी पवा ववा लेके आए, नहीं लेके आए, हमारे प्रतिष्ठा का सूचक है भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जातियों में रिवाज होता है, तो आप कहो कि सर नहीं हमारे तो नहीं डालते, ऐसा कुछ नहीं है, डामोर जनजाति के अंदर डाला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? साथियों आदिवासियों का एक संस्कार है जिसका नाम है लीला मोरिया, तो लीला मोरिया है ये किससे संबंधित है बताओ, जन्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, कन्यादान से संबंधित है या मृत्यु से संबंधित है? लीला मोरिया किससे संबंधित है, फटाफट से क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल पुलिस के एग्जाम आया हुआ प्रश्न है भाई साहब। तो लीला मोरिया, मोरिया मोड़ भाई, विवाह का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, विवाह का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, घुघरी से तात्पर्य, घुघरी क्या होती है भाई बताओ, है एक तो घुघरी मात्र वो वाली नहीं है देवताओं को चढ़ाते गेहूं की बनाई जाती घुघरी, वो भी हो सकती क्या, तो फिर चने का प्रसाद लिख रहेगा, बताओ क्या होगा राइट उत्तर है, आपके सामने दोनों कन्फ्यूजन है, तो बताओ घुघरी क्या होता है भाई, बराबर से बताएंगे घुघरी से क्या तात्पर्य है, बताओ घुघरी क्या होता है, आभूषण है, वस्त्र है, हथियार है या चने का प्रसाद है? तो देखना दोस्तों, एक तो देवताओं को चढ़ाने के लिए चने का प्रसाद होता है वो भी घुघरी होती है, और बाकी देखो आभूषण भी होते हैं ना घुघरी,
मतलब जिसको अपन घुघरी कहते हैं ना, पैरों के अंदर बांध जाते हैं फिर वो बजते हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के अपन कला संस्कृति पढ़ते हैं तो घुघरी क्या होगा, एक प्रकार का आभूषण होगा। बाकी ध्यान रखना डी भी राइट है, चने का प्रसाद भी राइट है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन वाला प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के तीसरे दिन बाद शमशान घाट में जाते हैं साथियों, उसकी कुछ हड्डियाँ वगैरह होती है पीछे रही, उनको इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। फूल चुनना कहा जाता है, तीये की बैठक कहा जाता है, पिंडदान कहा जाता है, या श्राद्ध कहा जाता है। बताएंगे राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। फूल चुनना, उसके साथ साथ साथियों क्या कह रहा है यहाँ पे, तीये की बैठक, पिंडदान या श्राद्ध, तो साथियों उसको फूल चुनना कहा जाएगा। यहाँ पे आपके प्रश्न नंबर 20 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को फूल चुनना कहा जाएगा, तो ए वाले राइट है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, घर के शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं। घर से शमशान तक जाते समय साथियों क्या किया जाता है, अर्थी की दिशा या जो भी होते हैं उनको क्या है, बैकुंठी है, इसको क्या किया जाता है, इसको परिवर्तित किया जाता है, तो ये परिवर्तित किया जाता है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है बताओ। घर से शमशान तक जाते समय क्या है, अर्थी की दिशा को परिवर्तन करते हैं, इसको क्या कहा जाता है। दिशावर कहा जाता है, आधेड़ा कहा जाता है, अर्धे देना कहा जाता है, या श्रद्धांजलि कहा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, इस चीज़ को आधेड़ा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आधेड़ा कहा जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, इसको आधेड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मणों द्वारा गो शुद्धि के लिए हवन कराया जाता है और अपने समाज के व्यक्तियों में भोजन कराया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मृत्यु के 12वें दिन साथियों आप सभी को पता हो तो हवन कराया जाता है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद भोजन वगैरह कराया जाता है सभी सगे संबंधियों को, अपने समाज के व्यक्तियों को, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है। फटाफट से क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। रात्रि भोज कहा जाता है, जीवन कहते हैं, दावत कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, तो डी वाले राइट होंगे। राजस्थान के साथियों कला संस्कृति में इस चीज़ को नुक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, रूप कंवर का संबंध किस प्रथा से, साथियों रूप कंवर का संबंध किस प्रथा से है। सीधा सा आपका प्रश्न आता है एग्जाम में, रूप कंवर किस प्रथा से संबंधित है, तो हमेशा ध्यान रखना रूप प्रथा साथियों वो सती प्रथा से संबंधित है। ठीक है, सती प्रथा से संबंधित है, एक सती हुई है रूप कंवर। अगला सवाल आपके सामने, किस रस्म के अनुसार नए मकान में प्रवेश करने से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है और सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है। वो कौन सी रस्म है जिसके अनुसार जब भी किसी नए मकान में प्रवेश किया जाता है तो देवी देवताओं की, अपने इष्ट देवताओं की पूजा की जाती है, और क्या है, सगे संबंधी होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, तो इसको गृह उद्घाटन कहते हैं, गृह प्रवेश कहते हैं, नांगल कहते हैं, कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न आपको सरल लग रहा होगा, ठीक है, और मुझे यकीन है कि 100% तो नहीं, लेकिन 80% बच्चे ऐसे होंगे, सर इसको गृह प्रवेश कहते हैं, घर प्रवेश है, कार्ड आते हैं हमारे यहाँ पे सर ऐसे, गृह प्रवेश हमारा घर में प्रवेश होने जा रहा है, आप सभी आमंत्रित है। साथियों अपन अपने नॉर्मल भाषा के अंदर उसको गृह प्रवेश बोलते हैं, वास्तव में इस चीज़ को नांगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नांगल कहा जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न गलत होने के चांसेज रहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ताकि आपका प्रश्न क्या है गलत नहीं हो, इस चीज़ को नांगल कहा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके, सती प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, गलत बात। सती प्रथा के बारे में कौन सी चीज गलत है वो आपसे पूछा गया। गर्भवती स्त्री भी सती होती थी, इसका सर्वाधिक प्रचलन राजपूतों में था, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन क्या सत्य नहीं है, बताओ राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों प्राचीन समय के अंदर देखिएगा ऐसी धारणा थी कि सती हो जाया करती थी महिलाएं, लेकिन अगर कोई गर्भवती वगैरह है तो अपनी जिंदगी तो लेके जा रही, लेकिन गर्भवास शिशु की जिंदगी लेके जाए अच्छा नहीं होता था, उसको सती नहीं किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदयपुर में सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया। उदयपुर के अंदर साथियों सती प्रथा है, इसको कब गैर कानूनी घोषित किया गया बताओ। उदयपुर में सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया, 1850 में, 1860 में, 1844 में, 1865 के अंदर, तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों। उदयपुर के अंदर लगभग 1860 के आसपास क्या है, लगभग 1860 के आसपास सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बी उत्तर वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा किस जाति में प्रचलित थी, तो सीधी सी बात है सती प्रथा हर जगह प्रचलित थी, पूरे राजस्थान में प्रचलित थी, लेकिन अगर किसी एक जाति विशेष की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा किस जाति में थी तो भाई साहब देखिए युद्ध वगैरह राजपूत ही किया करते थे, तो महिलाएं भी ज़्यादा सती इनकी होगी, तो बी उत्तर आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह आभूषण जो कानों के चारों ओर पहना जाता है, वो कौन सा आभूषण है जो कानों के चारों ओर पहना जाता बताओ। वह आभूषण जो कानों के चारों ओर पहना जाता, चूड़, रखड़ी, कलंगी और कर्णफूल, बताएंगे राइट उत्तर क्या हो जाएगा। वह कौन सा आभूषण है साथियों जो कानों के चारों ओर पहना जाता है, तो कर्णफूल आभूषण है, वो क्या है, कानों के अंदर चारों ओर पहना जाता है। डी उत्तर आपका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न के चलते, टीकड़ा शरीर के किस भाग का आभूषण, टीकड़ा कहाँ पहनते हैं, अरे बताओ टीकड़ों, टीकड़ा कहाँ पहनते हैं दोस्तों, बिल्कुल पूरा जोश और जुनून रखना है अच्छे तरीके से दोस्तों, क्या करनी है, तैयारी करनी है, आपका जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम की चिंता नहीं करनी है। एग्ज़ाम जहाँ तक मेरा मानना है, संभावित डेट अगर मैं बताऊं
दो अक्टूबर को तो भाई गांधी जी वाला है, तो इस समय तो मेरे हिसाब से राजस्थान सरकार भी क्या कांग्रेस की है, वैसे बापू की सभी इज्जत करते हैं तो छुट्टी रखी जाएगी, तो इस दिन तो एग्ज़ाम होगा नहीं। सितंबर में एंड तक संभावना है नहीं, अक्टूबर में होने वाला तो पहले वीक तो होगा नहीं। उसके बाद दूसरा सीधा 9 तारीख को आता है साहब, ठीक है। तो 9 तारीख को ऐसा कुछ नहीं है, तो 9 अक्टूबर के आसपास, 9 अक्टूबर से दो दिन पहले या फिर क्या है 6-7 दिन बाद में यहाँ पे आपका क्या है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 9 अक्टूबर के बाद इनकी मैं आपको बता दूँ, आपके जो BSTC है, BSTC के एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट अभी तक आई नहीं है, मैं मेरा आइडिया बता रहा हूँ कि 9 अक्टूबर के बाद क्या होगा। 9 अक्टूबर के बाद सर कितना, 7-8 दिन तक, 9 अक्टूबर के बाद अब कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यूनि कि सर आपने कहा था 9 अक्टूबर से 7 दिन, तो मैंने तो 9 और 7 16 से पहले हो गया, तो आपकी खैर नहीं भाई, एक आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं एग्जाम कब होगा कब होगा, तो 9 अक्टूबर के बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अब बताओ टीकड़ा कहाँ पहना जाता है, टीकड़ा बताओ, टीकड़ा आभूषण है ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो टीकड़ा साथियों कहाँ पे पहना जाता है, हाँ सिर व मस्तिष्क में पहना जाने वाला आभूषण है, दोनों जगह पहना जाता है, मतलब सिर और मस्तिष्क एक ही बात है, ललाट का हो तो टीकड़ी यहाँ पे पहनते हैं, ठीक है। ए आंसर राइट है। अगला सवाल, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है साथियों, ऐसे आभूषण जो सिर पर बांधे जाते हैं उन आभूषणों को क्या कहा जाएगा, सुरुलिया कहेंगे, चूड़ा रत्न कहेंगे, पोत कहेंगे या अणत कहेंगे, बताओ सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाएगा। तो साथियों सिर पर बांधे जाने वाले जो आभूषण होते हैं उनको क्या है, चूड़ा रत्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चूड़ा रत्न कहा जाता है। बी ऑप्शन वाले आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट उत्तर हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, राजस्थान में सागड़ी प्रथा प्रचलित थी, इसी का दूसरा नाम है साथियों, राजस्थान में पहले सागड़ी प्रथा चलती थी, सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है, सती प्रथा, डाकन प्रथा, हाली प्रथा या जौहर प्रथा, बताओ। सती, अपने पति की मृत्यु के बाद महिलाएं अग्नि केंद्र स्वयं को खत्म कर देती थी, सती प्रथा, डाकन प्रथा, किसी ऐसी मतलब कहते हैं ना कि हवन खराब वेर मारवाड़ी में ऐसी कुछ बातें बोलते हैं, ठीक है। तो प्राचीन समय में अगर आप कहीं पे गए किसी महिला के घर पे गए, आप वापस आए, आपको बुखार उकार आ गया तो थोड़ा शक पड़ जाता कि यार उसने कुछ किया तो नहीं, कोई दूसरा बंदा और गया उसको ही बुखार आ गया, ऐसा मतलब समय का चक्कर चला गया, उसके चपेट में आते ही अपने कुछ ना कुछ घटना है, और ये तो समाज उसको डाकण मान लेता है, ये तो डाकण है कि भूत नहीं है, ये सबको क्या है बीमार करती है, तो ऐसी कुछ प्रथा होती थी, उस महिला को प्रताड़ित किया जाता था तो उसको डाकण प्रथा कहा जाता था, ठीक है। हाड़ी प्रथा मतलब किसी के यहाँ पे काम करना, कैसे काम करोगे सर, काम ऐसे करना है किसी के यहाँ पे, आली मतलब आप उनके नौकर बन गए, क्या बन गए, नौकर बन गए, वो जो कहे वो आपको काम करना है, इसके बदले आपको भाई साहब क्या है पेमेंट मिलता भी था नहीं मिलता था ज़्यादा, ठीक है, आप उनके नौकर बन के रहते थे, आली पड़ता है यहाँ पे आपका सी उत्तर राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, लंगर व झांझर शरीर के किस भाग के आभूषण है, लंगर और झांझर है वो साथियों शरीर के किस भाग के आभूषण है, बताओ लंगर व झांझर है वो शरीर के किस भाग के आभूषण है, हाथ के है, कमर के है, गले के हैं या पाँव के हैं, बताएंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। लंगर और झांझर है ये कहाँ पे पहने जाते हैं, तो सभी को पता है पैरों के अंदर लंगर झांझर बजते हैं ना, घूघर बाजे रहे हैं रमतप दर देवड़िया में भाई साहब, ठीक है। खम्मा खम्मा, सती प्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम कब और कहाँ से इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था, बताओ दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा कि सती प्रथा को बंद करने के लिए सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, इसको कब और कहां से गैर कानूनी घोषित किया गया था, बताओ साथियों राइट उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 के अंदर तो सबसे पहले 1844 में जयपुर राजघराने ने क्या किया था, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, क्या है, हाँ सती प्रथा पर क्या लगाई थी साथियों, पाबंदी लगाई थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, भील जनजाति में मुख्यतः परिवार प्रथा का एक रूप है साथियों, भील जनजाति है उनके अंदर देखो परिवार, अब तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं रहा है लेकिन कल्चरल के अंदर अपन पढ़ते हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार वगैरह हुआ करते हैं कि भाई माता पिता और उनकी संतान ही रह रहे हैं तो एकल परिवार है, दादा दादी वगैरह, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ वगैरह ये सब साथ में रह रहे तो उसको संयुक्त परिवार कहा जाता था। तो भील जनजाति में मुख्य रूप से ज़्यादातर कौन से परिवार देखने को मिलते हैं वो आपसे पूछा गया, तो भील जनजाति के अंदर साथियों आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा क्या है संचलित है, ए उत्तर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दास दासी को खरीदने की परंपरा को जयपुर में एक इश्तिहार जारी कर प्रतिबंधित किया गया, दास प्रथा होती थी साथियों, अपने नौकर खरीदो और पैसों में बिकेंगे वो आपके जिंदगी भर के लिए हाड़ी रहेंगे, दास रहेंगे, आप उनसे जो काम कराओगे वो काम वो करेंगे, तो ये दास प्रथा है, ये खरीदे जाते थे दास वगैरह, तो सबसे पहले क्या है इस दास प्रथा को सबसे पहले क्या है जयपुर ने प्रतिबंधित किया था, वो कब किया था वो आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों याद रखना इसको क्या है 16 फरवरी 1847 को क्या है प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य की पोशाक को मान्यता मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर साथियों कौन से राज्य की पोशाक है जिसको मान्यता मिली है, अब कहोगे सर अचकन
राज्य कहाँ है, जोधपुरी कोट राज्य कहाँ है, यहाँ पे तो क्या है मेवाड़ी पगड़ी राज्य कहाँ है, अंग्रेजी राज्य कहाँ है। तो राज्य के साथ साथ में पोशाक का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जो फेमस चीज़ है उसका क्या है सीधा नाम लिख दिया गया है। तो आप क्या है मुझे उम्मीद है अच्छे से बता देंगे किस राज्य की पोशाक को मान्यता मिली है, तो किस पोशाक को मान्यता मिली ये अपन कहेंगे तो थोड़ा सही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर किस पोशाक को मान्यता मिली है। तो यहाँ पे जोधपुरी कोट है साथियों, जोधपुर का कोट क्या है फेमस है, मेवाड़ की पगड़ी भी फेमस है, वैसे जोधपुरी साफा भी फेमस है, लेकिन किसी चीज़ को राष्ट्रीय स्तर पर मानते हैं, हाँ भाई वास्तव में जोधपुर का कोट तो जोधपुर का कोट है, बाकी सबों में कोट है, तो वो जोधपुर का कोट कौन सा है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, बी उत्तर राइट। अगला प्रश्न है, जोधपुर का साफा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है। लो भाई, पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध, पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध, पगड़ी कहाँ की मेवाड़ की, मदिल पूछा जाता है, मदिल क्या है, मदिल पगड़ी का नाम है, प्रश्न आता है। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो साफा पूरे भारत में जोधपुर का साफा क्यों प्रसिद्ध है भाई साहब, ऐसा क्या है इस साफे के अंदर कि क्या है जोधपुर का साफा, जोधपुर का साफा ले लो भाई, साफा ले लो, जोधपुर का साफा ले लो रे भाई आप, तो चटकदार रंगों के लिए, लंबाई के लिए, ऊंचाई के लिए, बंदेज के लिए। साथियों बंदेज का कार्य है वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से गुणतापूर्ण किया जाता है, इसलिए ये काम क्या है प्रसिद्ध है जोधपुर का साफा। सिरावंश से क्या तात्पर्य, लो भाई किसान के बेटे हो, अगर किसान के बेटे हो और आपका ये प्रश्न गलत हो गया तो सिरावन आपका कर देंगे भाई साहब हम, ठीक है। सिरावन क्या होता है फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, सिरावन क्या होता है, हाँ सिरावन लेके गए कभी कभी क्या ग्रामीणों की, क्या ग्रामीणों की वेशभूषा ढूंढार क्षेत्र में, नहीं भाई ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का सुबह का भोजन, सुबह का जो भोजन था नाश्ता होता किसानों का उसको सिरावन कहते हैं, या दोपहर का भोजन को सिरावन कहते हैं। तो किसान सुबह जल्दी उठ के खेत पे चले जाता है दोस्तों, और पीछे से क्या है 8-9-10 बजे बींदनी या और कोई क्या है कुछ खाना लेके आते हैं उनके लिए, कहते हैं कि चलो जी नाश्ता कर लो, उसको सिरावन कहा जाता है। बी उत्तर आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। परंपरागत राजस्थानी समाज की विशिष्ट वेशभूषा होती है साथियों, परंपरागत जो अपना राजस्थानी समाज है, ऑल ओवर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी विशिष्ट वेशभूषा कौन सी, किस वेशभूषा के कारण राजस्थान जाना जाता बताओ, वो कौन सी वेशभूषा है जिसके कारण क्या है, जिसके कारण साथियों राजस्थान पूरे भारत के अंदर क्या है अपना एक अलग ही क्या है अस्तित्व रखता है, अलग ही स्थान रखता है, उस वेशभूषा का नाम बताना है, ठीक है। हाँ बताएंगे राइट उत्तर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। अंगरखा, साफा, साफा भाई साहब वाह, राजस्थान वाले साफा बांधते, और तो कौन बांधते, कोई बांधता है क्या, नहीं बांधता। कुर्ता, धोती, तो बताओ। तो साथियों यहाँ पे आप सभी का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, साफा हो जाएगा, कि राजस्थान के अगर विश्व स्तर पर, अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है तो साफा है, राजस्थान के लोग क्या बांधते हैं, साफा बांधते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, अलवरी, अमरसाई, शिवसाई, उदयसाई, अमरी, अलवरी, अमरसाई, अमरसाई याद रखना, ठीक है, सनजानी, खरसाई, उदयसाई, ये क्या है भाई साहब, ये चीज़ें क्या है, रस्म रिवाज हैं, जूतियां हैं, पगड़ियां हैं या अंगरखियां हैं। तो भाई साहब याद करो, अमरसाई नाम आया है और उदयसाई आया है, तो अमरसाई, उदयसाई, मेवाड़, और मेवाड़ की क्या चीज़ फेमस, अरे सर आप हमें बार बार क्यों पूछ रहे हो, मेवाड़ की पगड़ियां फेमस है, तो इस चीज़ का समन किससे होगा, पगड़ियों से होगा। सी उत्तर दोस्तों आपका राइट है। अगला प्रश्न साथियों, मुगल काल के अंदर जब विवाह किया जाता था तो विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी बताओ, मुगल काल में विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, फटाफट से बताएंगे, मुगल काल में विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती, छपाई वाली पगड़ी, मोटी पट्टेदार पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी, या आंटे वाली पगड़ी, आंटे, ठीक है, आटा नहीं है, ठीक है ना, आपको सर पगड़ी में आटा होता था रोटियां बना के खाते थे, नहीं आंटा, आंटा क्या ना, आंटी आ गई, तो क्या आ गई, आंटी आ गई, बो आड़ो आंटो है, तो बताओ भाई राइट उत्तर क्या हो सही, मुगल काल में कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, अरे सर मुगल काल में मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनी जाती थी, बी उत्तर आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा विवाह के समय, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ियों में क्या अंतर था बताओ, मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर भी पगड़ी पहनी जाती थी, उन दोनों में अंतर क्या था, मारवाड़ की पगड़ी मेवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी और ऊंची होती थी, सर मारवाड़ में जो पगड़ी होती थी वो मेवाड़ की अपेक्षा क्या होती थी, बड़ी और ऊंची होती थी, तो भाई मारवाड़ तो मारवाड़ रहा, मेवाड़ भी अपने आप में कम नहीं है, लेकिन मारवाड़ भी अपने आप में कम है क्या, नहीं है कम, तो सही बात है, मेवाड़ी पगड़ी वो साथियों छोटी सी और ऐसे नीची सी होती है, ठीक है, और जबकि मारवाड़ की पगड़ी है वो अपने आप में अलग दूर से पता चल जाता है कि बंदा पगड़ी पहने भी आ रहा है, ठीक है। तो ए उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, राजस्थानी महिला मुख्य रूप से परिधान पहनती है, साथियों राजस्थान की महिला है वो मुख्य रूप से कौन सा परिधान पहनती है, ऑल ओवर स्तर पर पूछा गया है,
राजस्थान की महिलाएं क्या क्या पहनती है? घेरदार घाघरो, हाँ घेरदार घाघरो, गुलाबीदार कब्बचो पहने भाई साहब, लुगड़ी वो ओढ़नी, हाँ पीली लुगड़ी लांबो घूंघट काट लेवा दे पहनती है, कांचड़ी पहनती, गीत है आपने सुना होगा, उक्त सभी हैं। बार बार मैं गीत थोड़ी गाऊंगा, फिर आप सिंगर घोषित कर दोगे मुझे, हैं तो डी उत्तर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, जिस भी भाई बहन ने डी बताया है सभी का उत्तर बहुत बहुत सही है। राजस्थानी महिलाएं क्या है, ये सारे के सारे क्या वस्त्र परिधान पहनती है, ठीक है। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? अंगरखी को साथियों ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है बताओ? जो अंगरखी होती है, अंगरखी को ग्रामीण भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? आपका आज का अंतिम सवाल है जिसका आपको उत्तर बताना है। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बुगतरी कहते हैं, डबकिया कहते हैं, पोमचा कहते हैं, घुगी कहते हैं। पोमचा साथियों स्त्रियों का आभूषण है, आभूषण क्या ओढ़नी है सॉरी, ठीक है। हाँ, एक तो पीला पोमचा होता है और एक होता है गुलाबी पोमचा। शिशु के जन्म के समय पोमचा ओढ़ा जाता है, मुख्य रूप से तो यही है अपने कल्चर। तो पीला पोमचा लड़के के जन्म पे ओढ़ा जाता है या लड़की के जन्म पे, और गुलाबी पोमचा किसके जन्म पे ओढ़ा जाता है, दोनों आपको बताना, ठीक है। गाना है वो भी सुन लेना कि पीड़ो पोमचो पकड़ियो बीच बाजार, पिया छोड़ो नहीं हाथ दुनिया देखे है हजार, ठीक है वो भी सुन लेना। और यहाँ पे दोस्तों आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा बुगतरी कहते हैं। अंगरखी का दूसरा नाम क्या है? बुगतरी है। तो ए उत्तर साथियों आपका क्या होता है? राइट उत्तर होता है। और ये भाई साहब आज की अपनी क्या थी, क्लास थी, जिसमें अपन ने 42% बहुत ही कम समय में किए हैं। तो कितने सही हुए फटाफट से कमेंट करके बता दो। अरे भाई गाने सुनने का तो कहा है पता है, लेकिन यूं नहीं कि सिर्फ गाने ही सुनेंगे कि पीड़ा पोमचा पकड़ाएंगे सर हम तो, और फिर ख्यालों में खो जाएंगे। अरे ख्यालों में खो जाओगे तो रुड़ जाओगे, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम क्या है, कम है, और सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है, तो अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसा भी नहीं है कि तैयारी करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, अपने आप पे विश्वास रखना है, आपको अच्छे से आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हवा में कभी ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, ठीक है। और अगर एक बार हार जाओ फिर भी कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करनी है। और एक बार अगर सिलेक्शन हो जाए फिर भी क्या, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं लाना है कि मेरे तो बारहवीं में 92% बने हुए हैं, मेरा तो BST में हो ही जाएगा, नहीं दोस्त गलत हो आप, ठीक है। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है, बारहवीं अलग है अपने आप में, BST से अलग है, वो स्कूली एग्ज़ाम था, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो दोनों में फ़र्क है। और ये भी आप जब पास कर लोगे कॉलेज मिल जाएगी, BST कर लोगे, उसके बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम की तरफ फ़र्क होता है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इसकी आपको चिंता करनी नहीं है। आप भी अकेले हो तो क्या आप, और मैं भी अकेला हूँ तो क्या मैं हूँ, कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ठीक है। और हम आपको तैयारी नहीं कराएं तो क्या हम हैं, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो क्या तुम हो, फिर तो सिर्फ गम ही गम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम ही हम हैं, तो अच्छी तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बहन अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए 7412838304 पर कॉल नहीं करेंगे, इस पे आप व्हाट्सएप पे BST 2022 लिख के मैसेज कर देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, नो कॉल, कॉल नहीं करनी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे हमारा भी टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे आप लेयर क्लास जो ऑफिशियल नाम लिखना है, और वहाँ पे ये PDF वगैरह, तो देखो ये मोबाइल वाली PDF दोस्तों, अभी मैं क्या बाहर हूँ, थोड़ा बहुत बिजी हूँ किसी काम को लेकर, तो लेयर क्लासेज ऑफिशियल आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको दूसरी क्लासों की PDF और क्लासेज का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है। बाकी जो भी भाई बहन नए हैं, पीढ़ी लुगड़ी लाबू घूंघट काट लेगी, आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।